समाजवादी पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 6 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी की, तो इस सूची में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा होने लगी है। अब आप सोचेंगे कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट देने पर स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों चर्चा में आ गए, तो चलिए इसकी वजह समझाते हैं। इसकी वजह समझने के लिए लोकसभा चुनावों के लिए सपा उम्मीदवारों की 5वीं और उससे पहले की लिस्ट को समझना होगा। सपा ने जब कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी की थी, तब लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने इसमें मिश्रिक लोकसभा पर अपना प्रत्याशी बदल दिया। पार्टी ने मनोज कुमार राजवंशी को मिश्रिक सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया, जबकि इससे पहले मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके अलावा सपा की ओर से बदायूं में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल को प्रत्याशी बना दिया गया। अब धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सपा ने उम्मीदवार बनाया है। ये सारे बदलाव देखकर उन आरोपों की चर्चा होने लगी है जो अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते महीने सपा से नाराज होने के बाद राष्ट्रीय महासचिव पद से और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में अखिलेश यादव के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सपा अध्यक्ष बार बार अपने प्रत्याशी बदल देते हैं। तब उन्होंने इन आरोपों के पीछे विधानसभा चुनावों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी के विधानसभा चुनावों में कई प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशी बदल दिए गए। अब लोकसभा चुनावों में सपा के 2 बार कैंडिडेट बदलने से स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों की फिर से चर्चा होने लगी है। यहां आपको ये भी बता दें कि सपा यूपी में INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पहले रालोद भी गठबंधन के साथ थी, लेकिन फिर अलग हो गई। ऐसे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। वहीं भदोही लोकसभा सीट TMC प्रत्याशी के लिए छोड़ दी है। बाकी सीटों में सपा अब तक 42 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। सपा के बाकी कैंडिडेट्स के ऐलान का तो इंतजार किया ही जा रहा है। साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं फिर से कोई प्रत्याशी तो नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर भी तमाम कयासबाजी जारी है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। साल 2000 में भी अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे। इसके अलावा साल 2019 से 2022 तक आजमगढ़ के सांसद रह चुके हैं। बाद में आजमगढ़ से इस्तीफा देकर करहल से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। फिलहाल अखिलेश करहल से विधायक हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश फिर से कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। हालांकि सपा की ओर से इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। अब सपा की आगे की लिस्ट में क्या होता है और अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं या नहीं, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।